आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ उसकी रेलिवेंस कुछ आजकल के हालात और माहौल से नहीं है। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जो 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 एजुकेशन का जो करिकुलम है, ये जो कोर्स है, यानी जिस तरह की तालीम और जो बच्चे इंटर में या मैट्रिक में जो पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। यानी मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब फील्ड में आता है बच्चा तो वो नहीं होती। एक तो ये एंगल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कितनी रेलिवेंस बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक बात। दूसरी बात जो आज करना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने कैरियर को किस हद तक प्लान करते हैं, यानी आप इससे एग्री करें या ना करें, या अपनी राय इस बारे में दीजिएगा कि कितने फीसद लोग हैं वो कैरियर प्लान करके अडॉप्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने ज़िंदगी के तजुर्बे की बुनियाद पे कि 10% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो फ्यूचर को प्लान करते हैं और उसके बाद उसको एडॉप्ट करते हैं। अदरवाइज मोर देन 90% ऐसी खेप होती है स्टूडेंट्स की जो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। इस बारे में अपनी राय दीजिएगा कि इन दोनों बातों में कितना वजन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है।